जय हिंद दोस्तों, मैं हूं बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर ई-बाइक से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा अपलोड होती है, तो आज का जो वीडियो वो भी काफ़ी कमाल को होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो हम एक ऐसी ई-बाइक बनाने वाले तो काफ़ी कम पैसों में बन के तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये 100% वर्किंग है। आप दोस्तों इसको डेली लाइफ में रोज़मर्रा के काम में यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, इससे सस्ती ई बाइक और वो भी 100% वर्किंग कंडीशन में आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली। दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट के, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो करते स्टार्ट। ऑलराइट दोस्तों, तो ये रही हमारी आरओ की मोटर। आप देख सकते हो, इस मोटर को दोस्तों मैंने ऑलरेडी पूरा ओपन कर लिया है। और यह है दोस्तों इसका रोटर। अब दोस्तों, इसमें जो पहले वाइंडिंग थी वो काफ़ी थिन वायर से की थी, तो मैंने इसकी पूरी वाइंडिंग को रिमूव कर लिया है यहाँ से। अब दोस्तों, इसमें हम वापस से रिवाइंडिंग करेंगे। रिवाइंडिंग करने के लिए दोस्तों मैं 22 नंबर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। ये दोस्तों 200 ग्राम है, मैंने शॉप से इसको अभी परचेस किया है, तो इससे हम इसकी वाइंडिंग करने वाले। तो दोस्तों, फटाफट से हम पहले इसकी वाइंडिंग करेंगे, फिर हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसकी वाइंडिंग करना दोस्तों काफ़ी सिंपल है, और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसकी इंसुलेशन निकाल दी, आप देख सकते हो। अब दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट से। दोस्तों, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ये दोस्तों इसकी सीध में है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, हमें ये वाला छोड़ना है, उसके बाद हमें दो स्लॉट छोड़ने हैं, एक ये, 1, 2। अब दोस्तों, इधर भी हमें दो स्लॉट छोड़ देने हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से एक लूप बनाना है और यहाँ पर आके हमें कंप्लीट करना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, हम जहाँ पर हमें मार्क किया था वहाँ पर हमें इस वायर को फंसा देंगे कुछ इस तरह से, और इसको दोस्तों हम प्लायर की मदद से यहाँ पर दबा देंगे ताकि हमारा जो वायर है वो बाहर ना निकले। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ से मैंने इसको वायर को अंडर डाला है, और यहाँ से हम इसको वापस बाहर निकालेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो इसमें दोस्तों हमने 15 टर्न्स कंप्लीट करने हैं, तो हम 15 टर्न्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों, जहां पर हमने पहला वायर डाला था, आप देख सकते हो यहां पर, उसके बाद वाले स्लॉट में हमें दोस्तों इस वायर को फिर से डालना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोस्तों, हम कटर से इसकी इंसुलेशन को रिमूव कर लेंगे। फिर से दोस्तों हमें यही प्रोसेस करनी है, इसको हम फिर से प्लायर से दबा देंगे। अब दोस्तों, स्टार्ट करना है हमें उसके आगे वाले स्लॉट से। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गए हमारे सेकंड स्लॉट के 15 टर्न्स। अब दोस्तों, फिर से वही प्रोसेस हमें स्टार्ट करनी है। दोस्तों, इसी तरह से हमें सारे पोल्स में वाइंडिंग कर लेनी है। दोस्तों, मैं फटाफट से इसकी वाइंडिंग कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी मोटर की वाइंडिंग होती है कंप्लीट। सो गाइस, आप देख सकते हो इसकी वाइंडिंग दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से कर दी है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये जो पोल्स है हमारे, यहाँ पर दोस्तों मैंने सोल्डरिंग कर दी है ताकि जो हमारा कॉपर वायर है वो इस प्लेट से अच्छे से कॉन्टेक्ट में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम इसको असेंबल कर देते हैं। दोस्तों, हमारी मोटर हो गई है कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों, आपको एक ग्राइंडर हैक चाहिए होगा, ये दोस्तों आपको हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा। और उसके साथ ही दोस्तों, आपको इसका एक गियर भी चाहिए होगा। ये दोस्तों जो गियर है ये हमने यहाँ पर लगा देना है, इसको दोस्तों हम अच्छे से ठोक देंगे ताकि ये स्लिप ना हो। अब दोस्तों, ये जो ग्राइंडर हेड है इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट कर लेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी ई बाइक की मोटर हो गई रेडी। अब दोस्तों, इसमें ना मैंने एक चेंज किया है, वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस मोटर की रिवाइंडिंग करी है। रिवाइंडिंग करते समय दोस्तों, इसका जो आर्मेचर है उसमें मैंने 15 टर्न्स दिए थे, उससे दोस्तों हुआ है कि जो मोटर है ना, इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है।
पर दोस्तों इसका जो टॉर्क है ना वो इनफ टॉर्क नहीं है हमारे ई बाइक को चलाने के। दोस्तों इसमें ने चेंज यही किया, इसकी जो वाइंडिंग है उसको मैंने पहले सारा रिमूव किया। इस बार दोस्तों मैंने इसमें 15 की जगह 20 टर्न्स दिए। इसमें दोस्तों मैंने वही 22 गेज का वायर यूज़ किया और वही सेम टेक्निक से मैंने फिर से इसकी रिवाइंडिंग करी। अब दोस्तों रिवाइंडिंग करने के बाद ये जो मोटर है ना इसकी स्पीड तो एकदम वेल मेंटेन है और दोस्तों इसका जो टॉर्क है ना वो भी इनफ है हमारे ई बाइक को चलाने के लिए। तो चलो दोस्तों इसको फिट करते हैं हमारी साइकिल के अंदर। फिट करते हैं दोस्तों हमारी जो ये मोटर है ना इसको हम इस साइकिल में यहाँ पर फिट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मोटर फिट करने से पहले ये जो हमारा चेन स्प्रॉकेट है इसे हमें मॉडिफाई करना होगा। दोस्तों इसे खोल के इसमें हमें एक फ्री व्हील अटैच करना है। अब दोस्तों मैं इसमें फ्री व्हील क्यों अटैच कर रहा हूँ वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। राइट दोस्तों तो आप देख सकते हैं आप मैंने तीनों स्प्रॉकेट्स को अलग अलग कर लिया। अब दोस्तों हमें इस बड़े वाले की ज़रूरत नहीं है तो इसको तो रख देते हैं साइड में।
और दोस्तों आप देख सकते हो ये है बीच वाला स्प्रॉकेट, इसमें हम फ्री व्हील अटैच करेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा फ्री व्हील। अब दोस्तों जो फ्री व्हील की ये वाली साइड है इसे हम ऊपर की साइड रखेंगे कुछ इस तरह से। और दोस्तों ये जो स्प्रॉकेट है इसे हम यहाँ पर वेल्ड कर लेंगे। अब दोस्तों आपको इसे बड़े ही ध्यान से वेल्ड करना होगा ताकि हमें जो फ्री व्हील है वो जाम ना हो जाए, नहीं तो दोस्तों आपको जो पूरा स्प्रॉकेट है वो ख़राब हो जाएगा। इसे वेल्डिंग करने के बाद दोस्तों आपको एक छोटा वाला स्प्रॉकेट भी यहाँ पर वेल्ड करना है कुछ इस तरह से। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस फ्री व्हील को वेल्ड कर लिया है। अब इसके बाद आपको एक 8/8 का स्प्रॉकेट चाहिए होगा। अब दोस्तों ये नॉर्मल स्प्रॉकेट नहीं है, आप देख सकते हो इसके जो टीथ है काफ़ी छोटे हैं इसके कंपेयर में। ये दोस्तों आपको लोकल शॉप पे तो मिलेगा नहीं, इसका मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। अब दोस्तों ये स्प्रॉकेट है इसे हमें यहाँ पर फिट करना है, इस साइड फिट करना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों ये डायरेक्ट तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इसका जो होल है ये काफ़ी छोटा है। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ स्प्रॉकेट, तो इसको दोस्तों मैंने पहले इसके साइज़ के हिसाब से कट कर लिया है, इसको दोस्तों हम यहाँ पर फिट कर देंगे। अब दोस्तों इसमें आप वेल्डिंग भी कर सकते हो और जो होल देख रहे हो आप यहाँ से इसको नट बोल्ट से टाइट भी कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको नट बोल्ट से टाइट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारी ई बाइक में कितना खर्चा होने वाला है टोटल। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है दोस्तों ये बैटरी। ये दोस्तों मैंने पुराने लैपटॉप के सेल्स को मिला के बनाई है, इसकी कॉस्ट दोस्तों मुझे 6000 पड़ी विद BMS बोर्ड। अगर आप इतने पैसे नहीं लगाना चाहते हो तो आप दोस्तों सिंपली से एक DC-DC बूस्ट कन्वर्टर भी लगा सकते हो 24 वोल्ट की बैटरी को बनाकर, वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। बैटरी की बात बारी दोस्तों कंट्रोलर की, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों 48 वोल्ट 500 का कंट्रोलर।
इसकी कॉस्ट दोस्तों मुझे अराउंड पड़ी है 1500। ये दोस्तों आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजोन पर, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। अब बात दोस्तों मोटर की, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों आर ओ की मोटर, आपको पता ही। अब दोस्तों ये जो मोटर ना ये मैंने सेकंड हैंड परचेस करी है, जहाँ पर वाटर प्योरीफायर रिपेयर, वहाँ से दोस्तों आपको ये मोटर ईजिली मिल जाएगी।